हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इरेथ्रोपोइटिक इंजेक्शन के बारे में। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि इस इंजेक्शन के बारे में बताइए, इसका काम क्या होता है, मेन ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये इरेथ्रोपोइटिक इंजेक्शन है 4000 इंटरनेशनल यूनिट। इसमें क्या होता है, 10,000 भी आता है आपका 1 ml के अंदर, 4000 मतलब 1 ml का ये इंजेक्शन होता है। अब देखिए मेन इसी बात कर लेते हैं कि इरेथ्रोपोइटिन एक्चुअल में है क्या। इरेथ्रोपोइटिन एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, किसके अंदर, किडनी के अंदर। और इसका काम क्या होता है, RBC प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है, बोन मैरो में एक्ट करके RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, और जो ये इंजेक्शंस होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जैसे कि किडनी फेलियर पेशेंट जो होते हैं, डायलिसिस जो पेशेंट होते हैं, उनका RBC प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ये इंजेक्शन इसलिए उनका लगाया जाता है। ठीक, अप्रोक्स 400-500 का आपको ये मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें।